हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरा सुबह का सारा रूटीन, जो सफाई का काम है, वो पूरा हो चुका है। और अब मैंने जो है नहाना वगैरह कर लिया है। और चलो अब बनाते हैं अपने लिए चाय। गई हमारी चाय तैयार। आइए आप लोग भी पी लीजिए और अब हम पीते हैं चाय। हाँ जी, आइए आप सब लोग भी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम पराठे। और पराठे बनाने के लिए हमें आटे में जो है 2-3 चम्मच जो है गेहूँ उसका चने का आटा मिलाना है। काले चने होते हैं, उनको पिसवा के आटा बनाया हुआ है। और उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, 1 चम्मच। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक, आपस में मिला लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे और फिर थोड़ी सी अजवाइन। सबको मिक्स करके हम उसका आटा गूंथ लेंगे। इसके पराठे जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसे खाने में भी डाइजेस्ट हो जाते हैं आसानी से। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, भिंडी की सब्ज़ी के साथ ये पराठे लोग खाएंगे। ये जो आटा है इसके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं और हम लोगों ने भी को ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद लगा कि हाँ, वाकई में खाने के बाद काफ़ी अच्छा टेस्ट बना रहता है। इसी तरीके से सारा आटा गूंथ के थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी, खत्म भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो काम हो ही जाएगा। तो पराठे बनाने के लिए और निकालती हूँ, इसको खत्म कर देते हैं। घी का भी साफ हो जाएगा इसे बनाने। इसको अच्छे से मार के मैं इसे 5 से 7 मिनट छोड़ दूँगी, जिससे कि पराठों के लिए अच्छे से सेट हो जाएगा। गाइस, हो गए हमें 5 से 7 मिनट। हम अब स्टार्ट करते हैं पराठे बनाने। और देखिए आटा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। और चलो अब
आटे का चूर का डिब्बा भी खोल देते हैं और शुरू करते हैं पराठे बनाने। पहले तवे पहले पराठे में जो है तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ था तो इसलिए समय लग गया, नहीं तो इतना समय तो लगता भी नहीं। एक बार तवा गर्म हो जाने के बाद फिर पराठे बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, ये बात तो सभी को मालूम होगी। देखिए पराठा सीक रहा है, इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सेक। थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा लग गया था तो जो इसका बचा हुआ घी है पराठे में, ज़्यादा जो घी लगा हुआ है वो रोटी के ऊपर रखने से क्या होता है कि दूसरे घी का दूसरे जो रोटी पर है उस पर सारा घी आ जाता है जिससे कि वो वेस्ट नहीं होता। मेरे पराठे बनके तैयार हो गए हैं और लास्ट पराठा है। इसमें मैं घी लगा लेती हूँ,
देखिए फ्रेंड, मेरे सभी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और अब मैं जो है अपने बेटे को खाना देती हूँ। इसके बाद मैं खाऊंगी। आज ये फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं और जैसा सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है अभी और सबकी परेशानियां सबके साथ में है। आर्थिक मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है और हाँ, पेरेंट्स की तो है ही, बच्चों के साथ भी ये परेशानी है। कॉलेज बंद और स्कूल बंद, तो बच्चे क्या करें। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन बच्चों के साथ होती है जो बाहर रहते हैं और बाहर रहने के साथ बाहर का खाना पीना खाते हैं, तो उन्हें घर का खाना वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके वजह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है कि इसमें जो है बच्चों को खाना पीना सभी चीज़ें अच्छे से देनी है और आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो कैसे मैनेज करें। तो यही पूरे दिन सोचते रहते हैं कि किस तरीके से बच्चों की संतुष्टि भी हो और उनको एक जो है स्वास्थ्यवर्धक खाना भी मिल जाए और हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं कि हाँ बच्चे ने खा लिया है तो अब हमारा काम ख़त्म होता है। यही दिन भर सोचते हैं कि आज कैसे करेंगे, आज ही कैसे करेंगे। अब सुबह का बना लिया, दोपहर का बना लिया, रात का बना लिया, यही सोचते सोचते हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। भगवान इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करे, इसकी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई वैक्सीन निकल के आ जाए जिससे सभी लोगों को एक संतुष्टि हो, सभी की मानसिक स्थिति ठीक हो और सभी लोग अपने अपने कार्यस्थल पर पहुँचें, अपने अपने कार्य को करें और जो है सभी का जो है काम जो व्यवसाय है वो चालू हो सके। और इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, गुड नाइट।